सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट टू। कैसे हो आप सब? एंड भाई, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने न्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि हमारी बैच स्मार्ट वॉचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 600। एंड इस वाली सीरीज का मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। बाकी है कुछ स्मार्ट वॉचेस थी जो की पार्ट वन में रह गई थी, तो हम आज कवर अप करने वाले हैं पार्ट टू में। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरा नाम है आर्यन शर्मा, द होस्ट, एंड यू आर वॉचिंग टेक बूमर। तो चलिए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं प्राइस अंडर 1200, क्योंकि भाई जो 1000 तक की प्राइस सेगमेंट थी उसमें मैं सभी स्मार्ट वॉचेस कवर कर चुका था पार्ट वन में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगी। ये वाली स्मार्ट वॉच हमारे पास बीट एक्सपी की तरफ से, बीट एक्सपी मार्व नियो, जिसकी की करंट प्राइसिंग हमें 1200 के आसपास देखने के लिए मिल रही है। बॉक्स में हमें मिल जाती है एक मैग्नेटिक केबल, साथ में डॉक्यूमेंटेशन, सब चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई गई है। बात करते हैं स्मार्ट वॉच के बारे में, तो स्मार्ट वॉच में आपको 1.85 इंच की एक HD डिस्प्ले करवाई गई है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा खासा साइज आपको प्रोवाइड करवा देती है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, तो 100 प्लस आपको इसमें स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड करवाई गई है। ये वाली स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि भाई आपको इसमें इनबिल्ट डायलर, माइक, स्पीकर का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया है। उसके साथ साथ आपको इसमें IP68 की वाटर प्रूफिंग का सर्टिफिकेट भी देखने के लिए मिल जाता है, यानी भाई वाटर रेजिस्टेंस की भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी प्रोवाइड करवाई गई है, एंड जो उसकी लुक्स भी है ना भाई, वो भी आपको काफी डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल जो स्मार्ट वॉच है वो फीचर से भरपूर आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको AI वॉच असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, एंड जो नॉर्मल फीचर्स होती है जैसे SP2 मॉनिटरिंग, BP मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, वो सब भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाई गई है। साथ में आपको इस वाली स्मार्ट वॉच के अंदर इनबिल्ट गेम्स भी देखने के लिए मिल जाती है। तो इस वाली प्राइस सेगमेंट में ये काफी अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसकी साइड जा सकते हो। प्राइस सेगमेंट अंडर 1200 में आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आपको बीट एक्सपी की मार्व नियो बाय नहीं करनी है तो एक गिज़मोर की ब्लेज मैक्स बाय कर सकते हो। ये वाली स्मार्ट वॉच भी काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है, एंड इसकी भी प्राइसिंग आपको अंडर 1200 देखने के लिए मिल जाती है। एंड भाई एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि जो सभी स्मार्ट वॉचेज़ की प्राइसिंग है ना, वो वेरी करती है कि आप किस टाइम बाय कर रहे हो। उस टाइम प्राइस हाई भी हो सकती है एंड लो भी हो सकती है, तो आप वो अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी बात करते हैं इसके बॉक्स के बारे में, तो चार्जिंग केबल, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब आपको प्रोवाइड करवाया गया है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल स्मार्ट वॉच के बारे में, तो भाई अच्छी खासी डिस्प्ले साइज आपको इसमें भी प्रोवाइड करवाया गया है, एंड इस वाली स्मार्ट वॉच में आपको H2H डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। लेकिन दिक्कत आती कहां पर है, जो भाई एक तो इसके स्टेप्स की क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी लो देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम मार्व नियो से कंपैरिजन करते हैं तो आपको थोड़ी सी लो देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, आपको पॉलीकार्बोनेट की प्रोवाइड करवाई गई है, यहां पर मेटल फिनिश आपको देखने के लिए नहीं मिलती। एंड जो फीचर्स है, फीचर्स आपको इसमें भरपूर प्रोवाइड करवाई गई है। दो आपको इसमें इनबिल्ट गेम्स देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाती है, एंड जो नॉर्मल फीचर्स रहती है जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग, BP मॉनिटरिंग, वो सब भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाई गई। तो इसीलिए मैंने इसे आज की लिस्ट में रखा था, क्योंकि फीचर्स वाइज ये काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है, तो आप इसकी साइड भी जा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं जरा प्राइस सेगमेंट अंडर 1500। तो इस वाली प्राइस सेगमेंट पर हमारे पास स्मार्ट वॉच है नॉइस की तरफ से, नॉइस विविड कॉल। एंड भाई ये वाली स्मार्ट वॉच काफ़ी छोटी सी, काफ़ी प्यारी सी आपको देखने के लिए मिल जाती है। बॉक्स में आपको इसकी स्मार्ट वॉच प्रोवाइड करवाई गई है, साथ में आपको मिल जाती है मैग्नेटिक केबल, एंड आपको प्रोवाइड करवाई गई है डॉक्यूमेंटेशन। तो अब बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉच के बारे में, तो स्मार्ट वॉच में आपको 1.69 इंच की एक HD डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है विद 515 निट्स की पीक ब्राइटनेस। जो ओवरऑल स्मार्ट वॉच है भाई, वो काफ़ी प्यारी सी एंड काफ़ी प्रीमियम से आपको देखने के लिए मिल जाती है। एक तो जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो आपको मेटल फिनिश के साथ देखने के लिए मिलती है, एंड जो स्ट्रैप्स भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है उनकी भी क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग जो उसका UI है ना भाई, वो आपको काफी स्मूथ देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि 1500 रुपए के हमारे जो प्राइस सेगमेंट है, इसमें इसका सबसे स्मूथ UI आपको देखने के लिए मिलता है। एंड इस वाली स्मार्ट वॉच में आपको गेम्स, स्पोर्ट्स मोड, हेल्थ ट्रैकिंग जैसे सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाई गई है, जिनका आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो ये वाली स्मार्ट वॉच ना फॉर्म फैक्टर को देखते हुए, इसके UI को, इसके फीचर्स देखते हुए मैंने इसे जरूर रखा था भाई लिस्ट में, कि भाई ये वाली स्मार्ट वॉच अगर आप बाय करोगे तो आपको कोई भी रिग्रेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस हाँ, इसकी डिस्प्ले साइज आपको थोड़ा सा छोटा देखने के लिए मिलता है, जो कि 1.69 इंच का। इस बात में थोड़े से डाउनफॉल की साइड जाती है, बाकी ओवरऑल स्मार्ट वॉच काफी अच्छी है, आप इसकी साइड जा सकते हो।
बात करते हैं अब जब हम राउंड आयल के बारे में, तो राउंड आयल में हमारे पास है बोल्ट की तरफ से बोल्ट स्ट्राइकर, जिसकी कि आपको प्राइसिंग अंडर 1500 देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर भाई आप राउंड आयल की स्मार्ट वॉच की साइड जाना चाहते हो तो ये वाला आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में, तो बॉक्स में आपको एक मैग्नेटिक चार्जर देखने के लिए मिल जाता है अच्छी खासी लेंथ के साथ में, इसकी वायरिंग है वो अच्छी खासी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। साथ में आपको मिल जाता है मेन डायलर, स्ट्रेप्स एंड क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह, ये सब आपको बॉक्स में प्रोवाइड करवाई गई है। तो इन सब बातों को साइड में रखते हुए बात करते हैं ओवरऑल स्मार्ट वॉच के बारे में। तो भाई जो ये स्मार्ट वॉच है ना, इसका भी यूआई आपको काफ़ी स्मूथ देखने के लिए मिल जाता है। इस वाली स्मार्ट वॉच में आपको टॉर्च प्रोवाइड करवाई गई है, उसके साथ साथ आपको उसमें काफ़ी सारे गेम्स देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी सारे तो नहीं, 1 से 2 गेम्स आपको इनबिल्ट प्रोवाइड करवाई गई है, जिनकी आप अपने फ्री टाइम में खेल सकते हो। एंड जिसको डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स है ना भाई, वो आपको काफ़ी स्मूथ देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज के बारे में, तो 1.3 इंच की आपको एक HD डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है। एंड भाई साथ में जो फीचर्स है वो आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपको 150+ कस्टमाइज वॉच फेसेस देखने के लिए मिलते हैं, 100+ स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड करवाई गई है, उसके साथ साथ आपको IP67 जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी अगर ओवरऑल आपको राउंड डायल में स्मार्ट वॉच चाहिए तो ये वाली स्मार्ट वॉच की साइड आप जा सकते हो बेझिझक होकर। एंड एक और खास बात, अगर आपको इनमें से कोई से भी स्मार्ट वॉच बाय करनी है तो सबकी बाय लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, फॉर बेस्ट ऑफर्स आप वहां से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, एंड जितने भी मेरे पास स्मार्ट वॉचेस थी वो मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सारी बता चुका हूँ कि कौन सी वाली स्मार्ट वॉच किस प्राइस सेगमेंट पर बेस्ट है। तो इस वाली बात के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि पर्सनली आपको इन सभी स्मार्ट वॉचेस में से कौन सी वाली अच्छी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।